व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भाई हम जा रहे हैं जिम। मैंने जिम ज्वाइन किया है, आपको दिखाते हैं यहाँ पे जिम कैसा लगता है भाई। और बता दें कि भाई अपना भाई अंकित भाई अपने काम का आज थोड़ा हरियाणवी में रहेगा ब्लॉग, ठीक है? थोड़ा मतलब ऐसा देखते हैं कंटेंट चेंज करके, तो मतलब ट्राई करूँगा। वैसे हरियाणवी मेरे को ढंग से आती नहीं है, मगर आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि आज वर्कआउट सेशन है भाई। देखते हैं जिम जाके, फर्स्ट टाइम मतलब यहाँ पे जा रहे हैं। बॉडी कंडीशन अभी थोड़ी सी डाउन सी चल रही है, एंड वेट वगैरह देखते हैं आज नप पाता है कि नहीं। पैसे देने पड़ेंगे मुझे लग रहा है यहाँ पे। एंड मेरा जिम का नाम है प्योर जिम, एंड मैंने मतलब सही लगा मुझे यहाँ का जिम के हिसाब से, बढ़िया बड़ा जिम है भाई। एंड जाके देखते हैं क्या रहता है और आपको दिखाते हैं कितना बड़ा जिम है। बाकी भाई अपना गांव का भाई अपना नाम रोशन कर रहा है, हम यहाँ कर देंगे रोशन। सही है ना? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इस बैग में मैंने अपना बहुत कुछ सामान डाल लिया है छोटा मोटा, बाकी जैकेट ले लेंगे अपनी और चलेंगे फिर। भाई छाता ले लिया मैंने, क्योंकि यहाँ बारिश छाता बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो जिम है ये अपना, मैंने जैसे ये ट्रैक सूट पहन लिया अपना खेल नहीं होता, क्योंकि मुझे बड़ा बढ़िया लगता है। बाकी सिटी सेंटर में थोड़ा वॉकिंग करनी पड़ती है, बट वी हैव टू सेव मनी, तो थोड़ा सस्ता पड़ रहा है यूनिवर्सिटी जिम से, कुछ 3-4 पाउंड का डिफरेंस आ रहा है। बाकी अभी डिस्काउंट चल रहा था तो मतलब मेरा फर्स्ट मंथ 7-7.5 ऐसे 8 पाउंड का पड़ा है, एंड सेकेंड मंथ से 14 पाउंड कुछ लेंगे, तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर समझ नहीं आया तो फिर चेंज कर लूँगा। बाकी दे हैव सम काइंड ऑफ वेबसाइट जिस पर जाके पहले मेंबरशिप लेनी पड़ती है, फिर ही आप जिम में एक्सेस कर सकते हो, जो कि ठीक भी था, बट हाँ ये भी गलत था कि पहले लाइक कोई अंदर जाके ट्रायल वाला कोई सिस्टम नहीं है जैसे इंडिया में होता था। बाकी भाई यहाँ कुछ ना पता, कभी भी बारिश आ जाएगी, कभी भी धूप। दिमाग सा ख़राब हो गया मेरा तो, आज कॉलेज गया था हाफ स्लीव्स पहन के, धूप ख़त्म, बारिश आने लग गई, ठंड लग रही थी, फिर सॉरी फुल स्लीव्स पहन के रखना पड़ता अभी बार। तो जैकेट तो बहुत मस्त है भाई, मेरी जैसी गलती मत किया करो, ऑलवेज योर जैकेट। सो स्टॉल लगाए पीछे भी वर्कआउट करने का है, यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स हैं लेग्स वगैरह मारने के लिए और चेस्ट वगैरह मारने के लिए। एंड आज सेशन तो नहीं, क्या होता है, स्टॉल लगा रखे उन्होंने। सो दिस इज अ कार्डियो एरिया, यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत बड़ा जिम है यार, अभी इस टाइम पे रश भी नहीं होता है, ये कहने गिफ्ट बोल। सो गाइस ये ट्रेडमिल यहाँ पे सारा, एंड ठीक है यार ट्रेडमिल ना चलते नहीं है वैसे मुझे तो लगा। सो लेट्स वॉक फॉर 2 मिनट्स एंड देन गो फॉर साइकिलिंग। भाई जिम बढ़िया, मगर मतलब है कि गाने बेकार चलते हैं यहाँ पे, सुनाई दे रहे हो पीछे लैटी को तो अपने हेडफोन्स वगैरह अपने साथ गाने पड़ते हैं यहाँ पे, मेरे पास है नहीं, मैं हैं भी मगर वो बेकार से हैं, तो नेक्स्ट टाइम ले आऊँगा मैं अभी की रिकॉर्डिंग कर, बट ये कि उतने गाने तो नहीं चलते कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ। सो बाकी सिस्टम बढ़िया है यहाँ पे, अभी कार्डियो कर रहा हूँ, फिर चेस्ट मारेंगे आज यहाँ पे आज। तो भाई अभी बेंच प्रेस मारेंगे सबसे पहले, नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा वेट लेंगे, ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेंगे। बाकी तो जिम वालों को पता ही है, वैसे मैं प्री वर्कआउट में ब्रोकली और ब्रोकली एंड पनीर
खा के आया था, बट आज मतलब मेरे रूममेट से पाव भाजी बना रहे हैं अभी। वही बेंच प्रेस खाली है, मैं डंबल प्रेस मारने लग गया अभी। यहाँ पे लोग ना मतलब मशीन पकड़ के बैठ जाते हैं, ये नहीं कि अल्टरनेट कर लो या शेयरिंग कर लो, बट ठीक है यार क्या करें, सबको अपना अपना टाइम जल्दी काट लो। कसम से कह रहा हूँ बहुत कैडी मशीन है यहाँ पे, ये कर रहा हूँ मैं इसको, मैं ऐसे कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस, ओके पूरे चेस्ट पे आए हुए। मतलब पहले जब मैं कर रहा था तब नहीं आ रहा था, जब मैंने छोड़ा ना इतना प्यारा फील हो रहा ना, पम्प बहुत प्यारा। बाकी यार थोड़ा जिम बोरिंग लगेगा यहाँ पे, यहाँ गाने नहीं चलते बढ़िया। इंडिया में तो मतलब प्रॉपर अपने देसी डीजे बजता था, बट यहाँ पे बहुत स्मूथ गाने चलते हैं, बैकग्राउंड में सुनाई दे रहे हो तुम्हें। बाकी भैया साइकिलिंग होती है, ट्रेडमिल वगैरह बहुत बड़ा जिम है, पीछे भी है। तो भाई अब एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है, लास्ट बार टिप्स मारेंगे अब। पाँच से एक्सरसाइज कर ली हमने, जैसे कि यहाँ टारगेट ये वाला टारगेट, बट बार टिप्स मार के ख़त्म करते हैं। एक लाइफ होता है मुझे लग रहा है, खैर मजा आ रहे हैं। अंग्रेज वो बात भी तो नहीं करते इतनी, मगर जब करते हैं तो फिर पागल हो जाते हैं, पता नहीं क्या ही भूल जाते हैं, समझ नहीं आता आधी लैंग्वेज ऊपर से निकल जाती है। लोग करने के बारे में मुश्किल लगता है यार बहुत ज़्यादा, एक एक चीज़ रिकॉर्ड करो वो कर रहे हैं भाई 800, और जो एडिट करके रोज डालते हैं ना उनको भी 800। एडिटर लाइक बिना एडिटर के तो कुछ काम ही नहीं है यहाँ यूट्यूब पे अभी यार। थोड़े मेरे ब्लॉग थोड़ा ना तीन तीन करके आएंगे हफ्ते में, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा स्टडीज़ पे ध्यान देना, स्टडीज़ थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि यहाँ का पैटर्न समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है स्टडीज़ का, बट करते हैं यार धीरे धीरे। एकदम से मैं रोज़ नहीं डाल पाऊँगा सॉरी यार, मगर हाँ कोशिश करूँगा जो उतना दिखा सकता हूँ उतना दिखाऊँगा आपको यहाँ की लाइफ, एंड यहाँ की जो स्ट्रगल्स हैं वो भाई आना चाह रहे हैं। और पहले एक एक चीज़ भाई मतलब बहुत कुछ कुछ चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे, अगर आप कुछ जानते नहीं हो ना और आपको पता नहीं है क्या क्या है तो उनको पागल हो जाओगे, मगर यहाँ की ऐसी बात नहीं है भाई, स्ट्रगल करोगे तो कुछ मिलेगा ही सही। अभी तो मैं मतलब ढूंढ रहा हूँ पार्ट टाइम भी यार बहुत बतेरी जगह अप्लाई कर लिया, मगर ना एक भी मतलब रिस्पॉन्स ढंगता नहीं है अभी, तो कुछ दूसरा तरीका तक ट्राई करने की सोच रहा हूँ मैं, देखते हैं काम आता है कि नहीं, काम आएगा तो मैं जरूर बंदा बताऊँगा कैसे मैंने क्या करा, बट पहले एक बार लगने दो, प्रे करो मेरे लेके लग जाए जल्दी से। आई होप आपको आवाज़ आ रही हो, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, लिपसिंग पढ़ लेना बस। अब फाइनल ख़त्म करते हैं हम चलते हैं, आई होप आपको मेरा दिन पसंद आया होगा, दिस इज दिन बड़ा जिम भाई। पीछे भी वहाँ पे भी कार्डियो सेक्शन है, वहाँ पे पीछे बॉक्स बना है उसके पीछे भी कार्डियो का है, सारी मशीन है भाई यहाँ पे, चेस्ट की पड़ी है, ये शोल्डर की पड़ी है, साइकिलिंग पड़ी है बहुत सारी, मतलब कम से कम 200 आदमी यहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं आराम से भाई। यो आज का पंप टेस्ट मारी थी आज, सही हो रहा है बढ़िया, पूरे शेप तो आ रही है आज। I got this, this is a challenge, 6 month free membership मिलेगी अगर जो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड जिसका होगा, एंड आई ट्राइड बट 1:10 वॉज माई टाइमिंग, एंड कटने का चैलेंज है बाकी गेट दिस पूरी 1:10। अरे एंड में अपने आप ही छूट जाता है। सो भाई अपना इंडिया से, भाई कहाँ से हो? मुंबई से है भाई, तो भाई भी मिला जिम में, बट यहाँ पे बहुत बहुत कम इंडियन जाते हैं, अच्छी बात है वैसे ना।
नहीं मिला खाने के लिए। पहुंच गया मैं अपने रूम पे। आई होप ये लोग कुछ बना के रखे होंगे। वैसे तो पावा जी बना रहे थे सभी के, तो बढ़िया भाई डाइट डाइट वाले यार सब कुछ उड़ता है भाई यहाँ पे। लग रहा है किसी दिन यहाँ पे इंसान भी उड़ जाएंगे। एंड आई फील लाइक बहुत भूख लग रही है यार भाई। वर्कआउट एक तरफ है, खाना एक तरफ है, ठीक है 70% खाने ही, डाइट ही है जो मेन आपको आपकी बॉडी ग्रो करने में, बॉडी बनाने में हेल्प करती है। तो ये नहीं है कि आप जिम चले गए तो बॉडी बन जाएगी, बॉडी घर पे बनती है भाई। ज़्यादातर खाना बढ़िया खाओगे तो ही वर्कआउट का कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बता रहा हूँ मैं यहाँ कोशिश तो कर रहा हूँ डाइट प्रॉपर लेने की, बट आई डोंट नो वेट लॉस हुआ कि नहीं। उसको चेक करने में मुझे 1 पाउंड खर्चना पड़ेगा शायद। यहाँ पे मशीन लगा रखी है उन्होंने, 1 पाउंड ही सब कुछ बता देगी, फैट परसेंटेज वगैरह सब बता देगी आपका। पहुँच गए देखते हैं। अश्नीर ये हमारे न्यू फ्रेंड्स स्लैश शेफ। हाउ आर यू? टायर्ड? स्लीपी भाई। जिम करने के बाद पावा जी मिले तो क्या ही क्या। अभी उसमें एक्स्ट्रा मक्खन डलेगा, अभी मक्खन मार गए, फिर ऊपर से प्याज और फिर नींबू। गेम्स पता है हमारे जिम में क्या था कि 6 मंथ्स का फ्री मेंबरशिप मिल रहा है। वो लटकने वाला गेम नहीं होता, उसमें जो सबसे लंबा लटका उसको 6 महीने फ्री। मेरा 1 मिनट 20 सेकंड तक गया, 15 सेकंड से रह गया मैं थोड़ा, 1 मिनट 10 सेकंड तक, 20-25 सेकंड। एनीबॉडी कैन गो एंड डू इट। हां कम लेट्स गो। और आई कैन यू।